मिशन कॉल अटेंड करते जब करने की जरूरत पड़ती थी तो बहुत समस्याएं होती थी और पर्टिकुलरली लेडीज को तो गुड मॉर्निंग एंड एंड आज चित्रा प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और समारोह आज का दिन समय जो है बहुत शुभ है, अच्छे काम की शुरुआत है। मैं सबसे पहले मकर संक्रांति के सभी को यहाँ शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। छोटी छोटी सोच से ही बड़े बड़े आयाम तैयार हो जाते हैं। रास्ते में चलते हुए मैंने ट्रैफिक वाले के दिन देखा, ऐसा नहीं और दिन नहीं देखते, उस दिन मन में सोच आई और सोच के साथ ये ट्रैफिक वाला खड़ा है कि ड्यूटी इतने घंटे की है, ये नेशनल कॉल के लिए कहां जाएगा। ये और दिन भी देखता था कि वो ख्याल नहीं आया है, हम रोजाना देखते हैं और हम रूटीन में इतना व्यस्त रहते हैं या उसके हिसाब से करते हैं कि वो सोचेंगे। तो ये जैसे विचार आया मैंने इसके प्रति कुछ लाइफ में ये समस्या है। यहाँ लेडीज भी हैं, हमारे जेंट्स भी हैं, पब्लिक यूटिलिटीज बहुत कम है, जैसे और प्रदेशों में अपने यहाँ भी कम है। ड्यूटी के स्थान से दूर हैं तो ये बताया जाए कि जो आसपास में घर हैं उनको यूज करते हैं। अब घर आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो तो कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन तो डेली तो नहीं चल पाएगा। आपका कोई जानकार है, सुझा रहे हो फिर आपको किस समय क्या जरूरत हो उसको भी निर्भर करता है। तो ये देखा तो बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं वो एक्चुअली मतलब इतनी दिक्कत झेल रहे हैं। तो क्या ना कुछ अरेंजमेंट किया जाए। मैंने समस्या समझी, हम जेल में गए तो मैंने दूसरे अधिकारी बुलाया गया कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ताकि खर्चा ज्यादा ना हो अपना साधन तैयार करें। तो ये हुआ कि हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं जो या तो ऑफ रोड होने वाली हैं या ऑफ रोड हो चुकी हैं, इनमें थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट करके इसको हम क्या कर सकते हैं। इस आइडिया के साथ मैंने अपने अधिकारी को बताया और ये जो परिणाम हमारे सामने है बहुत अच्छी फैब्रिकेशन की हुई है गाड़ी में। शुरुआत हमारी इससे है, एक गाड़ी और हम तैयार करेंगे। तो ये अपना डेली की मूवमेंट रहेगी, इसलिए इसको ट्रैफिक देने जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोकेशन को डिसाइड कर लें और वो टाइम पे आसपास के लोकेशन वाले हैं वो भी इसको यूज कर लें ताकि हमें किसी से निवेदन नहीं करना पड़े, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े। ये आप मुझे अपने घर की रिवाशन की फैसिलिटी उसको यूज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं फिर हमारा जो कार्य है उसमें कॉम्प्रोमाइज भी होगा। हम अगर किसी से एहसान ले रहे हैं तो नेचुरल उसमें किया है, तो वो मैं सोचता हूँ जिससे हमें निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। और जैसे ये गाड़ी तैयार की है, ये गाड़ी और तैयार करने की शुरुआत करते हैं।
ताकि ग्रुप की एबिलिटी होने से जो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आसानी से मिल सके। और जैसा गौरव ने बताया ये रियली ड्यूटीज वगैरह निश्चित तौर पर आए वहाँ हम फेब्रिकेट नहीं करते बट जो मोबाइल वगैरह सबको फेब्रिकेट करते हैं हमारी फैसिलिटी एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होगी जिसमें प्राइवेसी भी रहेगी और आपका ये बायोडिग्रेडेबल वाला मैकेनिज्म तो मैं अपने सभी अधिकारी जो इसमें एसोसिएटेड रहे हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि ये एक जो वेलफेयर का एक हमारा लक्ष्य था वो आज पूरा हो रहा है और ये व्हीकल जो है ट्रैफिक यूनिट के स्टाफ को प्लस जो आसपास में जो भी हमारे दूसरे स्टाफ होंगे वे भी आज से उपलब्ध हो जाए सभी को बहुत बहुत बधाई। कोविड का समय है सभी अपना ख्याल रखें प्रिकॉशन भी है प्रिवेंशन भी है वो भी बचाव का तरीका है हमारा ट्रैफिक है या जो ड्राइवर रिक्वायर्ड उसका संपर्क हर प्रकार के भ्रमण से होता है उसमें आपकी मॉब भी है आपके एक्ट भी हैं आपका ट्रैफिक नॉर्मल मूव करने वाला भी है। मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता त्रिपुरा पुलिस को महसूस हो रही थी और जो अभी के हमारे करंट डीजीपी सर हैं उनके निर्देशन में प्रेजेंट एसपी ट्रैफिक शर्मिष्ठा जी जो आज किन कुछ कारणों से अस्वस्थ हैं और उपस्थित नहीं हो पाई हैं उन्होंने एक उद्योग लिया और डीजीपी महोदय के निर्देश में एक मोबाइल टॉयलेट को बनवाया